हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सफाई कर्मचारी कैसे बनते हैं इसके बारे में बताने वाला हूं। क्योंकि दोस्तों, आजकल बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, जिसके चलते लोग बहुत परेशान रहते हैं। ऐसी स्थिति में कोई भी सरकारी नौकरी का मिल जाना सौभाग्य की बात है। तो अगर आप 10वीं या 12वीं क्लास पास हैं और बेरोजगार हैं, तो सफाई कर्मचारी बनने के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको सफाई कर्मचारी का क्या काम होता है, सफाई कर्मचारी कैसे बने इसकी प्रक्रिया क्या है, सफाई कर्मचारी की सैलरी कितना होता है और इसकी पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए जानते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं सफाई कर्मचारी का क्या काम होता है। दोस्तों, सफाई कर्मचारी नाम से ही पता चलता है कि इनका काम साफ सफाई करने का होता है। जिस भी ग्राम पंचायत और सिटी में इनकी ड्यूटी लगी होती है, वहाँ के सड़कों को साफ करना, नाली को साफ करना, और अगर उस ग्राम पंचायत में प्राइमरी स्कूल है तो उस प्राइमरी स्कूल की साफ सफाई करने की जिम्मेदारी भी सफाई कर्मचारी का होता है। तो अब आप जान गए कि सफाई कर्मचारी का क्या काम होता है। तो चलिए अब जानते हैं सफाई कर्मचारी कैसे बनते हैं इसकी प्रक्रिया क्या है। सफाई कर्मचारी बनने के लिए सबसे पहले आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा। हर साल सफाई कर्मचारी की वैकेंसी निकलता है, तो जब भी इसकी वैकेंसी निकलेगी आपको उसमें आवेदन करना होगा। आवेदन करने के लिए आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई करते टाइम कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, जैसे 10th का मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एसेट्रा। फॉर्म के साथ इस सभी डॉक्यूमेंट को सबमिट करना होता है। डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद अधिकारियों द्वारा आपके डॉक्यूमेंट्स की जांच की जाती है। अगर सभी डॉक्यूमेंट्स सही पाए जाते हैं तो आपका सिलेक्शन सफाई कर्मचारी के तौर पर कर लिया जाता है। सिलेक्शन के बाद 3 महीने तक प्रैक्टिकल टेस्ट में शामिल होना होगा। इसके अंतर्गत सिलेक्टेड कैंडिडेट को सफाई करके दिखाना होगा, नाली साफ करके दिखाना होगा कि वे कितने योग्य हैं, और इस तरह से आप एक सफाई कर्मचारी बन सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं सफाई कर्मचारी की सैलरी कितनी होती है। दोस्तों, सफाई कर्मचारी की सैलरी आमतौर पर 20,000 से 45,000 के बीच होती है, और जैसा कि यह एक सरकारी नौकरी है इसलिए इसमें सैलरी के अलावा और भी कई तरह की सुविधाएं दी जाती हैं। तो दोस्तों, अब आप जान गए होंगे कि सरकारी कर्मचारी कैसे बनते हैं इसकी प्रक्रिया क्या है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।